नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। शनिदेव 23 मई से अपने वक्री चाल चलने जा रहे हैं और मकर राशि में न्यायाधीश अक्टूबर तक उल्टी चाल ही चलेंगे, फिर बाद में इसी राशि में मार्गी भी हो जाएंगे। ऐसे में आज बात करेंगे शनिदेव की वक्री चाल 11 अक्टूबर तक किसे क्या देने वाली होगी, किन लोगों पर मेहरबान रहेंगे शनि, किन को देंगे दंड, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ग्रहों में क्रूर किंतु न्यायाधिपति कहलाने वाले शनिदेव वैशाख शुक्ल एकादशी आज ही के दिन मतलब 23 मई 2021 आज रविवार के दिन में दोपहर 2:53 से मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। शनि आश्विन शुक्ल षष्ठी 11 अक्टूबर 2021 सोमवार को प्रातः 7:44 पर पुनः मकर राशि में ही मार्गी होंगे। इस प्रकार शनि कुल मिलाकर 141 दिन वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि के वक्री होने के संदर्भ में ज्योतिष के ग्रंथों में कहा जाता है, शनि वक्रे तदुर्भिक्षम रुंड मुंडा चमेदिनी, और शनि वक्रे जने पीड़ा, शनि वक्रे गते महाबली। इसका अर्थ है कि शनि के वक्री होने के समय में दुर्भिक्ष फैलता है, मतलब प्रजाजन रोग और पीड़ा से ग्रसित होती हैं। शनि स्वयं की राशि में मकर में चल रहे हैं और अपनी ही राशि में वक्री होने से 7.5 और लघु कल्याणी अढ़ैया वालों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान सभी राशि के जो जातक हैं वह प्रभावित होंगे। शनि की पीड़ा शांत करने के लिए, अनुकूलता के लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं, हम इस वीडियोस के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं विस्तार से कि आप अपने राशि अनुसार कैसे उपाय करेंगे। साढ़ेसाती जो है धनु पर और अंतिम अढ़ैया मकर पर, और दूसरा अढ़ैया जो है वह कुंभ पर, प्रथम अढ़ैया मिथुन और तुला पर है। आइए राशि के अनुसार बताते हैं कि किस राशि पर क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं इस वीडियोस के माध्यम से। सबसे पहली जो राशि आती है वह मेष राशि है। दशम स्थान में शनि का वक्री होना कार्य को प्रभावित करेगा। आजीविका के साधनों के लिए आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, भागम भाग करनी पड़ेगी। वृषभ राशि सीधे भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहा है। पैसे के लिए आप परेशान होना पड़ेगा आपको। कठिन समय रहेगा लेकिन पेशेंस रखें, धैर्य रखें। मिथुन राशि अढ़ैया के प्रभाव में अष्टम भाव को यह प्रभावित कर रहा, पेट से संबंधित परेशानियां दे सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आय भी आपकी प्रभावित होगी। कर्क राशि साझेदारी दाम्पत्य जीवन में टकराव हो सकता है, विवाद हो सकता है, विवादित स्थिति बन सकती है, पैसे का रुकावट, विवाह में रुकावट आएगी। सिंह राशि रोग स्थान में शनि वक्री होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, छोट से पेट संबंधित परेशानियां, बीमारियों पर खर्च होगा, दौड़ भाग की स्थिति रहेगी। कन्या राशि संतान पक्ष शिक्षा प्रभावित होगी, खर्च की अधिकता, स्वजनों से विवाद हो सकता है। तुला राशि परिवार में विवाद रोग शोक की स्थिति रहेगी, ध्यान रहे कि आपको संयम से काम लेना है, आयु प्रभावित होगी, सुखों में थोड़ी कमी हो सकती है। वृश्चिक राशि पराक्रम में कमी आएगी, भाई बहनों से विवाद संभव है, कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, इसलिए इस पर ध्यान दें। धनु राशि वाणी खराब हो सकती है, पैसों की तंगे महसूस होगी, संपत्ति को लेकर विवाद जो है वह संभव है, स्वास्थ्य खराब होगा। मकर राशि मानसिक कष्ट, रोग, पिता को कष्ट, स्वयं के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसलिए इसका आप ध्यान रखें। कुंभ राशि खर्च की अधिकता,
कर्ज लेने की नौबत आएगी, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। संयम से काम लें, अपने सेंस और पेशेंस पर ध्यान रखें। अंतिम राशि मीन राशि, एकादश स्थान में आय प्रभावित होगी, पिता के सेहत पर ध्यान रखें, हालांकि आय के नए स्रोत भी मिलेंगे। शनि स्तोत्र, शनि चालीसा, शनि स्तवराज का आपको प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को गरीबों भूखों को नमकीन चावल खिलाएं। हनुमान जी के लिए आपको प्रतिदिन अनुकूलता के लिए नित्य दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। सकल विघ्न व्यापहिं नहि ते हि राम सुकृपा बिलु कहिं, इस मंत्र से हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। आप जो है प्रत्येक शनिवार को एक श्रीफल पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाकर एक पुष्प रखकर हनुमान जी को भेंट करें। आप 7:30 वाले जातक शनि के निमित्त तिल का तेल दान करें। पीपल के पेड़ में नित्य मीठा दूध अर्पित करें। मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी छाया देखकर आप ध्यान करें, आपके ग्रह अनुकूल होंगे, लाभ मिलेगा। शनिदेव के इन मंत्रों का आप चाहें तो आप जप कर सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम खांग ओम खांग खीं खूं सः मदाय स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः। उपरोक्त में से किसी एक मंत्र का आप चयन करके प्रतिदिन अपने पूजा स्थान में एक ही जगह पर बैठकर एक ही समय में आपको यह जप कर लेना। प्रयास करें कि एक माला आप जप करें। जाप के लिए रुद्राक्ष या स्फटिक की माला श्रेष्ठ रहेगी। काले कंबल के आसन का प्रयोग करें। शनि अरिष्ट निवारण के लिए आपको औषधि स्नान करना चाहिए। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए औषधि स्नान भी किया जाता है। इसमें विशेष जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। इसका मिश्रण तैयार करके चूर्ण तैयार करें और उसे पानी में डालकर नित्य आप स्नान करें। आप देखेंगे कि अनुकूलता की प्राप्ति होगी। अरिष्टे सुनौ शांति स्नान माह बलाम जन श्याम तिलई सलाजई सरो ध्रजिमुत सत प्रसूनई यमानुजा दाप्त मनिष्ठ मग्ना विलीयते मज्य नोपे शेषम। इसका मतलब ये हुआ, शनि की अरिष्ट शांति के लिए बारियारा के बीज, काला शुरमा, काले तिल, धान का लावा, लोथ मूथा और सौंफ के चूर्ण से स्नान किया जाता है। अगर आप इसे स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं तो महामृत्युंजय का मंत्र का जप स्वयं आप अपने राशि के अनुसार संकल्पित करके करें और संकट मट आपको हनुमान चालीसा का यह जो मंत्र है कि संकट मिटे हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, ओम क्रीम लगा लें संपुटित करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप शनिवार से लेकर मंगलवार तक करें, रात में 10 बजे के बाद करें। ध्यान रहे कि यह जो है शनिवार से मंगलवार, नेक्स्ट मंगलवार जो आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वह 11 दिन हो जाएगा। आप देखेंगे यह मंत्र आपके लिए शुद्ध हो जाएगा और कहीं जाते हैं एक बार पढ़ के जाए आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। आप सब यूं ही बनते रहें, वीडियोस देखते रहें। अगर आपको कोई कमी आती है, अगर आपको लगता है कि इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है या आप और चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिले तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में आएँ। आप सब सुरक्षित रहें, इस कोरोना काल में अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए।